हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं राणा तरप, सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉम्ब कनेक्शन पर। आज मैं एक रिएक्ट करने वाला हूं किसान एंथम पर, जो कि फिलहाल कुछ दिन पहले अभी भी आई थिंक चल रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले और भी ज़्यादा यू नो न्यूज़ पे था। वो है किसान के साथ, किसानों के साथ जो प्रॉब्लम हो रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, जो कमोशन चल रहे थे, और जो यू नो गलतियाँ और जो प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे थे, फार्मर स्पेशली किसान लोग, उस चीज़ को लेकर बहुत ही चर्चे में थी। और उस चीज़ के ऊपर, उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर ये गाना है, एक ट्रिब्यूट है, एंड डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगा, और लेट्स सी व्हाट दिस सॉन्ग इज़ अबाउट। बहुत सारे सिंगर्स ने एक साथ कोलैबोरेट किया है पहली बार। जो सिंगर्स है वो है मनकट औलक, निशान भुल्लर, जस बाजवा, जॉर्डन सांधु, फजिल पुरिया एंड दिलप्रीत ढिल्लों, DJ Flo, Shri Brar, Afsana Khan and Bobby Sandhu. So many amazing singers have come together for the very first time. Music diya hai Flam ne, lyrics hai by Shri Brar. So let's react to this, the Kisan Anthem of the Year. Ye raha mera reaction in 3, 2, 1. ठंड दिया दिन अस्सिया तो टप्पिया ने उमर, अज किन्ने दिन हो गए बार्डर से बैठे नू, तेन बुरा ख्याल नहीं, चुप सी चुप, हाँ चुप रवे, वो तबका झल्या नहीं असी सिकंदर वर्गे का, तेरा झला गे जे साडिया जमीन खोएगी, आ तेरा दिल्ली मना गे। सब रंग पिछे बैरीगेट पाए हुए ने, जट नहीं पंजाबों ये आए हुए ने, और देख के भावें इंडिया का मीडिया आदि बीसी के उत्ते झोटे छाए हुए ने। हो गया तो सब नहीं।
हरियाणा भी रह निका है जे तक ले बाबे आए सी अजे तक साडे बाबे आए सी सेंटर तक पै गया जी काए जे तक ले बाबे आए सी सेंटर तक पै गया जी काए जे तक ले बाबे आए सी 3600 जांदे पोड़ी शूक दे बच्चे कहारा थारा ओ बुक दे पुत किसाना दे ला इनकलाब दा नारा बाबे नानक ने सानू सी किसानी बख्शी बाजा वाले ने कलमा दे खंडे दिलिए इतनी पावरफुल आवाज़ें हैं हर एक सिंगर की यहाँ पे एंड बहुत ही पावरफुल मैसेज भी है जो लोगों के लिए लेकर आए हैं ये लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए जानना कि जो स्ट्रगल है सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये सब लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। किसान इतने मेहनती होते हैं, ये लोग दिन रात मेहनत करके गेहूँ बाजरा जो जो हम लोगों को यू नो एग्रीकल्चर से हम लोग को मिलता है, कौन करता है ये सब? ये अपने आप उगके तो निकल के नहीं आता हम लोग के पास, ये हम लोग जो खाते हैं सब कुछ, आधे से ज़्यादा चीज़ें ये लोग खुद उगाते हैं अपने हाथों से। इतनी मेहनत करते हैं फील्ड पे, दिन दिन भटक कर यू नो अपने पसीना छुटा कर सारा दिन काम करके मेहनत करके घर आते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वापस उनको जाना पड़ता है। तो उन लोगों की मेहनत, इतनी मेहनत, इतना स्ट्रगल किसी को दिखता नहीं है। फार्मर सुसाइड कर रहे हैं हर जगह पे, लोग मरे जा रहे हैं बिना खाने के। कोरोना वायरस की वजह से कितने लोगों की का बिजनेस बंद हो गया है, कितने फार्मर्स हैं, कितने लोगों को ये भुगतना पड़ता है, जस्ट थिंक अबाउट इट। और इस चीज़ को बाहर लाइमलाइट में लाना बहुत ज़रूरी था, ये प्रोटेस्ट किसी ना किसी तरह से होना बहुत ज़रूरी था ताकि पूरे इंडिया के गवर्नमेंट को पता चले कि किस तरह की चीज़ें गुजरती है एक किसान के ऊपर जब उन लोगों को खाना नहीं मिलता, जब उनका बिजनेस उनका कारोबार बंद हो जाता है और वो जो कर रहे हैं इतनी मुश्किल से उनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता। तो
बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है। बहुत लोगों को ये बैकलैश फेस करना पड़ा, बहुत कंट्रोवर्सीज हुई बॉलीवुड में, बहुत कंट्रोवर्सीज हुई। आई थिंक इट वाज टोटली अननेसेसरी, एंड जिस चीज़ को हमको मद्देनजर रखना चाहिए उस चीज़ को हटा के हम लोग यू नो ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि जो लोग जस्ट कंट्रोवर्सी करने में अच्छा लगता है उनको, बहुत ही नो पसंद है उनको ये सब चीज़ करने में। एक्चुअली में जो लोग सफ़र कर रहे हैं कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। तो ये गाना बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा लगा मुझे कि हर एक सिंगर जो यहाँ पे है वो हर किसी ना किसी तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया अपना और इस चीज़ को लोगों के पास पहुँचाने में मदद की। जितने किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे सबको खाना बांटा, अपने तरफ से स्पीच दिया, मोटिवेट किया ताकि वो लोग इसको कंटिन्यू कर सके और इस चीज़ का कुछ यू नो सोल्यूशन निकले। सो थैंक यू वेरी मच मुझे सब बताने के लिए इस गाने के बारे में, बहुत अच्छा लगा मुझे। हर एक बंदे और बंदे की आवाज़ जो थी यहाँ पे अमेजिंग, बहुत पावरफुल। अगर मुझे पता होता वो लोग एग्जैक्टली क्या बोलते, आई नो द थीम, मुझे होल थीम पता है, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या बोलते अगर मुझे पता चलता तो हैव बीन ग्रेट। अभी भी मैं यही कंप्लेन रखूंगा बस हर एक पंजाबी गाने से कि प्लीज़ सब टाइटल्स रखें ताकि हमको पता चले यू नो जो लोग जिन लोगों को पंजाबी उसमें अच्छे से आती नहीं है उन लोगों को पता चले कि एक्चुअली वो लोग क्या कह रहे हैं ताकि हम लोग और भी कनेक्ट कर सके। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर बहुत पावरफुल गाना भी है, पावरफुल लिरिक्स भी है। सो या टोटल थम्स अप फॉर दिस सॉन्ग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेरा रिएक्शन तो जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट डालना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, हेल्प कीजिए मुझे 20,000 सब्सक्राइबर मार्क पहुंचने में। लाइक सब्सक्राइब शेयर ढेर सारा प्यार। आप लोग को मैं दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए चाओ।